तो और यार क्या हालचाल है, तो हम एक और वीडियो लेके और गई जब मैं तुमको आज बताने वाला हूँ कि किस्मत वर्सेस डिवाइस। अब देखो यार तुम्हारे पे कितना ही तगड़ा डिवाइस हो, तुम iOS प्लेयर हो, एंड्रॉइड प्लेयर हो, तुम्हारा गेम कितना स्मूथ चलता है, तुम्हारी पिंग कितनी आती है, कोई मैटर नहीं करता। अगर तुम्हारी किस्मत ही बेकार है ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई, तुम बस कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखो यार जिस बंदे ने हेडफोन्स ईयरफोन्स ब्लूटूथ जो भी होते हैं ना वो कानों में लगाने के यंत्र उन्हें नहीं लगा रखा है ना, तो लगा ले मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ तुझे लगा ले बस तू, नहीं तो तेरे आसपास जो खतरनाक खतरनाक हथियार पड़े उनसे तेरे पे प्रहार हो सकता है, तो लगा ले मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ पहले लगा ले, या फिर ऐसी जगह चला जा जहाँ कोई तेरी आवाज़ ना सुने, तेरी नहीं मतलब तेरे फोन की आवाज़ ना सुने। अब देखो यार हालात कुछ ऐसे थे, AKM मिल जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, किस्मत एकदम मस्त चल रही थी और सामने एक बंदा भी उछल रहा था, तो मैंने कहा भैया पेलते इसको जल्दी से चल के, क्योंकि बहुत उछल लिया बहुत कूद लिया, तो जरा देखो क्या करते हैं इनके साथ। अब देख रहा हूँ प्रीनेड भाई साहब का, मतलब बच गया मैं बस इस पे से। अब मेरे पास मौली पड़ी थी, मैंने सोचा इसे कौन सा पीऊंगा, थोड़ी ना खोल के मुझे तो मुझे नशे थोड़ी ना करने पबजी की तरह, तो मैं भी फेंक देता हूँ इसको फिर। और हमारे ये भाई साहब हमारी जलती हुई आग के ऊपर से निकलने की कोशिश करते हैं और जल जलू के बराबर हो जाते हैं, तो अब इसे पूरा फिनिश कर देंगे हम, क्या करेगा वैसे भी जिंदा रह गए ये। तो ये भाई साहब अपने प्राण त्याग देते, गन हमको दे देते और उसके बाद कोई दिक्कत की बात नहीं थी, सब बराबर चल रहा था एकदम मस्त मजे में। उसके बाद हमें एक बंदा इस घर में फुटस्टेप देता, तो हम सोचते भैया इसके नीचे से घुसना मतलब बेवकूफी वाला काम, वो बैठा है सीढ़ियों पे बुरी तरह से मारेगा, तो हम भैया एंगल बदलते इधर से जाते हैं। अब देखो यार इस बंदे को मेरे टीममेट ने आराम से ठोक दिया और उसके बाद हम इधर आते क्योंकि स्क्वाड हाउस पे एक बंदा बहुत देर से गोलियां चला रहा था, जो कि हमें दिख भी जाता है लेकिन पूरी तरह दिखता नहीं है, जिससे कि हम उसको नॉक कर दे। अब हालात ऐसे थे मेरे पास दो गन थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन मेरे एक टीममेट पे गन नहीं थी, तो मैंने उसको गन दे दी। और यहाँ पे भाई साहब सामने से एक बंदा मेरे पर हार्ड स्कोप कर रहा था, मैंने सोचा इसको मारता हूँ ना भाई साहब, मेरे को ही मार दिया उसने। अब चलो खैर मानता हूँ कि मेरा एम भी टट्टी, मेरा गेम भी टट्टी, कुछ सुन रहे होंगे ना जो गाना होता है ऐसा कुछ, तो देखो यहाँ पे मेरा एम खराब था उसकी वजह से मैं मानता हूँ कि मैं उसे नहीं मार पाया। अब वो हार्ड स्कोप लिए बैठा था, उसने मुझे ठोक दिया, लेकिन फिर से मेरे वाइफ हो गया और मेरा हो गया पुनर्जन्म, तो अब तो भैया इसको छोड़ने वाला हूँ नहीं मैं, चाहे मेरी हेल्थ कितनी भी हो ये बच नहीं सकता। इस बंदे को मैंने एक हेडशॉट दिया था, मुझे पता था ये बंदा अब रुकने वाला है नहीं, ये भागेगा बुरी तरह से, तो वही इस बंदे ने किया, ये भागने लगा और इसको मैंने धर दिया। लेकिन किस्मत जिसे कहते हैं ना, किस्मत बड़ी कुत्ती चीज होती है, तो हालात ऐसे थे कि मेरे पास एक भी गोली नहीं बची थी और मैंने अपने टीममेट को कहा कि भाई साहब स्क्वाड हाउस से अगर नॉक होगा तो तू ही होगा, तू एक काम कर लूट के आजा बाहर से, तो वो भाई साहब लूटने तो गए लेकिन साथ ही साथ एक भी गोली नहीं लाई और इतने में यहाँ पे पुश हो जाता है। अब यार हमारा फोन इतना भी खतरनाक नहीं है कि पिस्तौल से ही बैरल वाले बंदों को मार दे जो कि 1 HP में। अब देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले उतरा था लेकिन गन मुझे सबसे पीछे मिलेगी। देख रहे हो ये बंदा मेरे से बहुत देर पीछे उतरा लेकिन गन के ऊपर ही लैंड हुआ, मतलब क्या चल रहा भाई, अरे गन तो उठा लेने दिया करो, मतलब करते कहते क्या हो, कहना क्या चाहते हो भाई मेरे, मतलब खेल नहीं मत दो, एक काम करो गेम ही नहीं बना मेरे लिए, मैं नहीं खेल रहा भाई इसको, मेरा मूड खत्म खराब है भाई। अब देखो ये कीड़ा मकोड़ा पता नहीं क्यों उछल रहा था, इसको हमने ठोक पीट के बराबर कर दिया और इसका टीममेट इसका मसीहा बन के आता है। तो देखो मसीहा बनने वाले इंसान को हम आराम से ठोक पीट के बराबर कर देते, लेकिन तुम्हें पता है शॉटगन के खिलाफ मेरा रिकॉर्ड कुछ इस प्रकार का रहा है, जो कि शॉटगन से मैं कभी नहीं जीत सकता, शॉटगन मेरे लिए अभिशाप है, चाहे से मैं कवर में हूं या नहीं हूं। यहाँ पे चलो मैं मानता हूँ मैं सामने से गया नॉक हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर से देख लो जरा, मतलब शॉटगन वालों को क्या दुश्मनी है भाई मेरे से, और ये शॉटगन मेरे अपोनेंट को क्यों मिलती है हमेशा, मुझे क्यों, मुझे तो खैर मिल जाए तो भी कोई काम की होती नहीं है वो, मैं तो चलाना ही नहीं जानता उसको। अब देखो मुझे शॉटगन चाहे से मिल चुकी है, मैं कैंप भी करूंगा टीपी भी लूंगा, लेकिन जब मैं गोली मारूंगा तो वो पता नहीं कहां जाती है। अब देखो यार गेट में मैंने आराम से गोली चलाई थी कि मैं ही नॉक आ रहा, यहाँ पे देखो जरा, मतलब मैं घर के बाहर चला गया हूँ घूम के, लेकिन घूम के गोलियां मेरे को ही लग रही है, शॉटगन भाई तू चाहती क्या, मतलब क्या तेरी जिंदगी में मेरे लिए मुझे मारने के से भाई कोई काम नहीं है। खैर जो भी हो यार, इतनी बकचोदी होने के बाद हम यहाँ पे उतरते पोचंकी में।
तो देखो कुल मिला के यहाँ पे दो बंदे होते हैं, जो कि एक तो कीड़ा होता है और एक खाना बनाने वाला होता है, जिनको कि हम ठोप पीट के बराबर कर देते हैं। और उसके बाद इधर कुछ बंदे और थे जो कि भैया बहुत देर से फायर किए हुए थे, तो मैंने कहा भैया इनको ठोकते हैं क्योंकि बहुत देर हो गई यार, इनका फैसला नहीं हो पा रहा है। तो वो भाई साहब आपस में लड़ भिड़ के बराबर हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे को मार देते हैं वो लोग। और उसके बाद हम जाते हैं उनकी तरफ, हम थे दो वो थे चार। अब देखो फोर भी फोर वर्सेस टू की फाइट तुम्हें देखने को मिलेगी, तो एंजॉय करो। अब देखो यार इस भाई को मैं कहीं ना कहीं नॉक करता हूँ, लेकिन मेरा किल चोरी हो जाता है, जाने वो रिवाइव हो जाता है, भगवान को पता क्या होता है। लेकिन यहाँ पे एक बॉट को मारने के चक्कर में मैं, समझ रहे हो ना क्या हुआ मेरे साथ, समझ रहे हो? अब यार बॉट का किल चोरी होने के डर से मैं उसे पूरा फिनिश करने लग जाता हूँ, और इतने में ही मुझको बता देते हैं नीचे वाले लोग। क्या कर सकते यार, बॉट का किल चोरी थोड़ी ना होने दे सकते। अब देखो उनकी तरफ का एक बॉट का किल मैंने लिया, तभी एक बॉट हमारी तरफ आ गया। और हमारी गन रीलोड पे जाने के कारण हम इस बॉट को नहीं मार पाए, और उन्होंने हमारा किल ये ले लिया, हमारा नहीं था, मतलब बॉट का था, कोई भी ले सकता है। अब चलो हिसाब बराबर हो गया, उनकी तरफ का बॉट मैंने मारा, हमारी तरफ का उसने मारा, मैं थोड़ा उन्होंने नॉक करा था, तो मेरा भी फर्ज बनता कहीं ना कहीं कि मैं भी इनको पूरा ही मार दूं। अब देखो यार एक को नॉक करके मेरा टीममेट पूरी तरह से फिनिश कर देता, जो कि काफी अच्छी बात थी। अब वो तीन बचे थे, हम दो बचे थे। अब थ्री वर्सेस टू की फाइट तुम्हें देखने को मिल सकती है, जिसमें कि कौन जीतता है वो तो तुमको आगे चल के पता चल ही जाएगा, आगे जाके पता चल ही जाएगा। मतलब जीरो हो गई, सेवन गेम हो। बंदा सेवन की हमारे भी हो गया यार, एक बहुत ही हमें भी नहीं मारो फिर। अब देखो यार मेरे टीममेट यहाँ पे जिंदा था, लेकिन उसके पास एक भी गोली नहीं थी और उसका हेल्थ भी कम था, तो वो भाई साहब छत पे लेटे थे पीछे की तरफ, और उन्होंने कह दिया भैया तूने दो नॉक कर दिया, अब एक काम कर इसको भी मार दे, जब आऊंगा मैं। तो अब सिचुएशन थी वन वी वन, जिसे कि देखो कौन जीत पाता है। खैर भाई साहब यहाँ पे हम जीत जाते हैं, इनको पूरा निपटा देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं, इनकी स्क्वाड को पूरा सुला देते हैं रातों रात, किसी को खबर तक नहीं होती है। और इनको मार मूर के हम निकल लेते हैं यहाँ से चुपचाप भाई साहब रोजोक की तरफ। रोजोक में जैसे ही आते हैं तो पहाड़ी पे कुछ बंदे भाई साहब टंकी फोड़ने में लगे हुए, तो हम भी आ जाते हैं भैया बचाने टंकी को। अब देखो सामने गांजा फूंक रखा है, तो हमने सोचा थोड़ा गांजा हम भी फूंक लेते हैं। तो एक भाई साहब बीड़ी का बंडल निकालते हैं, उसमें से गांजा निकालते हैं, बीड़ी में गांजा थोड़ी ना आता वैसे। खैर जहाँ से भी आता हमने भी एक गांजा फूंक दिया सामने की तरफ, इतने में मेरे टीममेट ने एक को नॉक कर दिया। तो अब तो भाई साहब दिक्कत की बात ही नहीं, सीधा ही घुस जाएंगे हम इनके पेट में। अब देखो यार हम एक नेड फेंकने की कोशिश करते हैं, जो कि ज्यादा ही ओवर कुक हो जाता है और कुछ ज्यादा ही ओवर भी चला जाता है वो, जिससे कि कुछ होता नहीं है। तो हमने कहा भैया अब तो घुस के फेलना पड़ेगा इसको। अब देखो यार इन भाई साहब को हमने बराबर मात्रा में ठोक दिया, सबको हम निपटाया दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, रोजो खील खाली हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं जहाँ पे सामने हमें कुछ बंदे दिख जाते हैं। अब तो मानो ना मानो इसको 50-60 हजार गोलियां मारने के बाद भी ये बंदा नॉक नहीं हुआ, और मेरे टीममेट ने एक दो गोली मारी ना उसे नॉक कर दिया। चलो कोई बात नहीं, उसके बाद हम यहाँ पे आते जहाँ पे कि फिर से वो ही किस्मत का रोना,
कि मेरी तो किस्मत ही खराब है भाई, मेरी नहीं मतलब इतना बुरा कैंप कौन करता है इनके जैसा। हद कर दी आप तो लोगों ने, मतलब मैं यहाँ पे कितना लूट रहा हूँ इस पूरे बाहर के ग्राउंड में, लूटूंगा मजे में, 5 की गोलियां उठाऊंगा। लेकिन देख रहे हो तुम, मतलब मैंने सीढ़ियों फेंकने के लिए नेड़ हाथ में लिया और भाई साहब ये कैसे बैठा था यहाँ पे, मतलब माँ कसम गन हाथ में होती तो मैं इसको ठोक सकता था एक भाई को। लेकिन भाई इतना बुरा कैंप, मतलब जीरो वुट्सएप वाला कैंप यार कौन करता है मेरे भाई। यार मत खरा करो ऐसे भाई, मेरे कते सुधर जाओ यार तुम। और उसके बाद तो मैं पता है मैं नॉक हो जाऊँ, मुझे कोई छोड़ दे ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये बंदे इतने हरामी थे कि मेरे टीममेट से बन भी बोर हो जाएंगे, लेकिन मुझे इतना बुरा कैंप करके मारा है ना भाई, दिल से बुरा लगता है अगर तुमको कोई ऐसा बंदा मार जाए जो कि एकदम नूब हो और कैंप करके तुम्हें मार दे। खैर मेरे पास गन होती तो मैं उसे मार सकता था, लेकिन इनका यहाँ पे मेरे टीममेट ने बन भी बोर कर दिया। और अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय भाई लोग।